हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका वेलकम हमारे चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा रोटरी बैल पंप के बारे में। इसे पहले असेंबल करके दिखाऊंगा कि मैंने ये जो रोटरी बैल पंप नया परचेज किया है, और इसे असेंबल करके दिखाऊंगा पहले आपको, जिससे आप ये देख सकते हैं जो ये रोटरी बैल पंप है वो ग्रॉस कंपनी है। और इस एरिया में आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जी रोटरी बैल पंप है V10 का। एंड यहाँ पर रिकमेंडेड की यूज़ किया रखा है, बता रखा है कि डीजल में यूज़ करना है, कैरोसिन में यूज़ करना है, हीटिंग ऑयल्स में यूज़ करना है वो बता रखा है। आपको मोटर ऑयल्स या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में यूज़ करना है बता रखा है, कहाँ कहाँ आपको इसको यूज़ करना है। और फिर बता रखा है नीचे डू नॉट यूज़ विद, मतलब वाटर बेस्ड मीडिया, मतलब वाटर जिसमें मिक्स होता है इसमें किसी में यूज़ नहीं करना है। एंटी फ्रीज, मतलब जो हमारा कूलेंट होता है वो एंटी फ्रीज होता है, उसके अंदर वाटर मिक्स होता है, उसमें भी इस रोटरी बैल पंप को नहीं यूज़ करना है। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, उसका प्राइस भी दिखा रखा है 1633 रुपये। और यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें इसके बारे में, जैसे आप देख रहे हैं। और इसे मैं अब ओपन करूँगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब ऐसे मैं आप देख सकते हैं, मैंने इसको इनसाइडली खोल लिया है, और इसमें से पहले मैं इसके ऑल पार्ट निकाल लेता हूँ इसमें क्या क्या निकलता है। और इसमें मुझे एक पेपर सा मिला हुआ है जिसमें फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है रोटरी बैल पंप के बारे में, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा पंप की कास्टिंग और कवर प्लेट, और मतलब कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है रोटरी बैल पंप की, उसमें इसमें आपको असेंबली एंड ऑपरेशन सब कुछ में दे रखा है। आपको रीडिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, इसे पढ़ना चाहिए पहले। एंड उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ पार्ट मिलते हैं, जैसे आप देखते हैं। और इसका हैंडल है, ये इसका बैरल बग अडैप्टर है, और ये हॉज है जो इसके ऊपर लगेगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं कम्प्लीटली इसे असेंबल करके दिखाता हूँ, इसे असेंबल कैसे करना है। पहले इस जो इसको इसके अंदर डाल देना, थोड़ा लूज करने का, ये ऑटोमेटिक से आ रहा है, ऐसे आप इसके आ चुका है। और फिर इसे इसके ऊपर इजीली चढ़ाना है ग्लास से, जिससे आप इसके ये कम्प्लीटली फिट हो चुका है, अभी कम्प्लीट फिट हो चुका है। इस वाले हॉर्स सप्लाई को इसके ऊपर लगा देना है। आप देखते हैं हमारा ये मोस्टली जो चीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट लुक भी बेटर लग रहा है इसका। अब यहाँ पे हम जो एक ही लास्ट रह गया है उसको इसका हैंडल असेंबल करना है यहाँ पे, ये भी मैंने उठा लिया है। और हैंडल को यहाँ पर हमें लगा देना है इसके, अब जैसे जैसे कंप्लीट आ चुका है यहाँ पे। और इससे जो ये हमारे नीचे आप नट दे सकते हैं, ये हमारा बोल्ट है, इस बोल्ट को हमें टाइट कर देना है इस पर। आप देख सकते हैं अब ये कम्प्लीटली हमारा जो रोटरी बैल पंप है बिल्कुल असेंबल हो चुका है, अब कम्प्लीट रेडी हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसे आप देख सकते हैं,
आप देखें कि मैं अब इसको यूज करके दिखाऊंगा, जैसे मैं अपने ऑयल रूम वाले रूम में आ चुका हूँ और इसको रूम में डाल के इसको एक्शन में कैसे बंद करता हूँ उसको मैं जानता ही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके एक्शन में कैसे यूज करना है। इसको यूज करने से सिंपल तरीका होता है, आपको जो हैंडल होता है इसको रोटेट करना है, घुमाना है, घुमाने से आपको जो ऑयल होगा उसको सक करेगा, सक करने के बाद क्या होगा इसमें इस पाइप से और से ऑयल बाहर निकलेगा। इससे आप देख रहे हैं मैंने इसको हैंडल को घुमाया, उसने ऑयल सक किया, इस तरह से ऑयल बाहर निकलेगा। अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक और रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें एंड बेल आइकन को दबा लें एंड थैंक यू गाइस।